क्या देखूं? वो डैडी सुनने को ऊपर से आते हुए देखना है। Hey guys, good morning, welcome back to the new vlog. चलो अभी चलते हैं नीचे, मैं नीचे का सीन दिखाता हूँ। वैसे हमारा ये जो घर है ये छोटा सा, ये रूम है हमारा, और बाकी जो मेन जो हम जहाँ ज्यादातर मोस्टली रहते दिन भर वो ये आगे वाला है। वैसे हमारे घर से ना पूरा लाला मंडल का पहाड़ दिखता है, मैंने शायद लास्ट व्लॉग में भी दिखाया होगा। नहीं आपको लेके गए थे? नहीं, बहुत शौक है इसको जाने का पहाड़ पे। तो ये कुछ दिख रहा होगा यहाँ से। सो गाइस सीन अभी ये है कि मैं आ गया हूँ नीचे, और भाई हमारा जो नीचे का घर है ना वो थोड़ा सा ऐसा कुछ है पुराने टाइप का। वो दादाजी आ गए सुबह, यहाँ से बेटा पैर पड़ो, पाँव पड़ो, पाँव नहीं छू हो गए, अरे पाँव छू लो यार। तो ये हमारे पापा जी, ये मम्मी जी, मम्मी आओ ना, मम्मी तो भाग ही रहे। अभी कहाँ गए थे? अभी कहाँ गए थे आप? घूमने, साइकिल से एक्सरसाइज करता हूँ, चलाता हूँ तो हमारा व्यायाम होता है, एक्सरसाइज होती है। बेटा पाउच को, पाउच को बेटा, दादा दादी के, फिर आपको दो चॉकलेट मिलेंगे। चलो मैं छोटा हूँ, आज मैं वो लेके आऊंगा डेयरी मिल्क, मैं छोटा हूँ ये, और इधर दादी के भी, दादी के भी, दादी के भी, दादी के भी पाउच हो, डेयरी मिल्क मिलेंगे। सो गाइस अभी हमारे चाचा जी आए हुए हैं अभी हमारे घर, और ये गाइस हमारा घर का फ्रंट का सीन है भाई। सामने से कुछ ऐसा दिखता है हमारा घर, जो कि आपको देख के लग ही रहा होगा कि किसी विलेज का घर है। 2 hours later. तो भाई बात ऐसी है कि आज हम जा रहे हैं भाई राला मंडल के पहाड़ पे, जो कि दिख ही रहा होगा भाई यहाँ से, ये वाला। तो इस पे अभी हम जा रहे हैं क्योंकि हमारे इस छोटू लाल को है ना घूमने का बहुत शौक है इस पे। ऐसे ना एक बार बहुत पहले गया था, लेकिन अभी बहुत दिन से बोल रहा है, और मेरे घर की खिड़की से ना साफ दिखता है ये, तो बोल रहा है कि मेरे को पहाड़ पे ले चलो, तो आज लेके चलते हैं। और आज मेरे जो अंकल है वो भी बहुत टाइम से बोल रहे थे, मतलब लगभग 2-3 साल से बोल रहे थे वो कि इस पहाड़ पे घुमा दो, लेकिन उनको कभी छुट्टी नहीं मिलती, कभी मुझे नहीं मिलती। तो फाइनली आज मैं उनको भी घुमाने वाला हूँ और हमारे इस पहलवान को भी। तो चलो चलते हैं, अब सीधे वहीं पहुंच के हम बात करते हैं। आपकी मैम बोल रही थी क्या जाने के लिए? हाँ, रोज जाने का बोल रही थी। अच्छा, कि रोज रोज जाना इस पे पहाड़ पे? हाँ, फिर मजे करना। मजे करना? हाँ, रोज रोज जाके पहाड़ पे। रोज रोज जाके क्या करेंगे अपन? खेल। हाँ, खेल खेलो, उनको हमारे घर लाएंगे, फिर खाना खिलाएंगे। चलेंगे। ओ चाचा आ रहे धीरे धीरे। कितने दिन से सोच रहे थे चाचा तुम? अरे यार, 1 महीना हो गया। 1 महीना की 2-3 साल हो गए। हाँ, मेरे को भी 3 साल लग गए। कितने साल लग गए तुमको सोचते सोचते? हाँ, मेरे को तो कल भी जब छुटकी बजा के चले जाते मेरे से। अबे ये क्या आवाज गूंज रही है भाई? देखो ना। क्या देखूं? वो डायनासोर मेरे को ऊपर से आते हुए देख रहा है। डायनासोर देख रहा है ऊपर से आते हुए? हाँ। बाप रे, पूरा जंगल ये ऐसे जंगल, और यहाँ हो सकता है कि तेंदुआ घूम रहा हो कहीं और अपने को देख भी रहा हो। हाँ, मगर आपन थोड़ी देखेंगे, अपने को दिखेगा ही नहीं। वो तेंदुए घूमते हैं यहाँ कितनी बार, मतलब कि नीलगाय और इनका शिकार किया है, हिरण उनका, बाकी वो दिखेगा ही नहीं, वो निकल दिन में नहीं निकलते। वो पत्थर दिखा, मैं कहा कोई नहीं। अरे मेरे को डरा दिया तुमने। और बाप रे, ऐसा मत बोलो यार, भैया मेरी तो सांस चढ़ गई यार ऊपर चढ़ने में, तो बहुत ऊपर जाना है अभी। तो लास्ट टाइम तो हम आए थे पूरे ग्रुप में, तो इसको एक एक करके सबने उठा लिया था, अब आज उठाने वाले बस मैं हूँ और चाचा जी, और ये बहुत मुश्किल है कि ऊपर तक चढ़ पाएगा। तो इसको एक काम करेंगे हम, धीरे धीरे जैसे होगा वैसे ले जाएंगे, जितनी दूर चल पाएगा उतनी दूर चलाएंगे, बाकी फिर हमारे पहलवान को उठा के ले जाना पड़ेगा। ये बोर्ड लगा हुआ है, लेफ्ट साइड है शिकार का सफारी, रानी महल नेचर ट्रेल, और ये पेगोड़ा, ये क्या होता है भाई? पेगोंडा। चलो देखेंगे क्या होता है, तो चलो चलते हैं। वैसे ऐसा कुछ है पहाड़ी, ये पूरा बहुत ऊंचा है यार। हमारे चाचा जी को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है भाई, हमारे छोटकू पहलवान को ही थक गए बहुत जल्दी। थोड़ी देर मैं लेके चल रहा हूँ इसको, थोड़ी देर ये पैदल चलेगा और थोड़ी दूर चाचा लेके जाएंगे। रेयांश, हाँ उधर देख, नहीं नीलगाय का काम है ना? नीलगाय, नीलगाय के
महादेव, जय भीम की जय श्री राम, जय भीम लिखा शायद, जय भीम जय, ऐसी जगह पर खैर लिखना तो नहीं चाहिए, पर भगवान जी का नाम तो कहीं भी लिख सकते हैं, पर अदरवाइज दूसरी चीजें नहीं लिखना चाहिए भाई। बहुत तेज आती है यार, मोड़ है ना, जब मोड़ेंगे नहीं तो सीधा, कितनी स्पीड में ले जा रहे हैं यार, यार ढलान पे है गाड़ी भागे की तो, अरे तो पर ले नहीं जाना चाहिए ना इतनी तेज, चले ऊपर चले, तो भाई सभी सीने के भी चाचा गए हुए हैं भाई ऊपर, और हम तो वहीं रुक गए भाई, हमारे रियान सोरम अब, क्योंकि भाई मैं तो गया भी हूँ यार ऊपर, तो फिर मैं नहीं जा रहा फिर अब। हम रियान सोरम रुक गए यहीं पे, और हमारे चाचा जी ये जो कभी नहीं गए ऊपर, वो घूम के आ रहे हैं ऊपर। वैसे अभी कुछ बता रहे थे जो ऊपर से आ रहे थे ना, बोले भाई ऊपर कोई सुविधा नहीं है ना खाने पीने की ना पानी की, मतलब खाने पीने दोनों की कोई सुविधा नहीं है, तो यार ये थोड़ा सा गलत है यार, मतलब होना चाहिए यार, इतना ज़्यादा ये अच्छा टूरिस्ट मतलब प्लेस हो सकता है ना ये। हाँ बेटा, क्या बेटा, हाँ यार, हाँ यार, तो ये बहुत अच्छी जगह हो सकती है भाई अगर थोड़ा ध्यान दे गवर्नमेंट इस पे, तो ये इंदौर की सबसे बेस्ट प्लेस में से एक हो सकती है अगर ध्यान दे तो। चाचा जी जो हैं वो अभी आए नहीं, पता नहीं कितना घूमेंगे भाई ऊपर, वैसे है कुछ भी नहीं यार ऊपर, बस एक शिकार का एक बिल्डिंग बनी हुई है पुराने राजा महाराजा के ज़माने की, और वो अंदर कुछ उनके ज़माने की चीज़ें रखी हुई है, तो ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए यार, 10-15 मिनट का काम है, और 10-15 मिनट नीचे आने में, और आधे घंटे से हम उनका रास्ता देख रहे हैं भाई, उनको पता नहीं क्या पसंद आ गया ऊपर, तो ऊपर ही रुके मैं, चलो, और सिग्नल है नहीं तो मैं उनको फ़ोन करके बुला भी नहीं सकता हूँ जल्दी कि आ जाओ चाचा यार क्या कर रहे हो अकेले अकेले, वो अकेले ही भाई खुश हो गया, अकेले ही गए ऊपर, लगभग यार यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब थोड़ी सी दूर पहले ही हमने ने सोचा कि रहने देते नहीं जाते, वैसे मैं तो गया हुआ हूँ और रियाज भी थक गया था यार, तो फिर हम गए नहीं। आ गए हमारे चाचा जी। अरे संजय, हाँ यहाँ से भी दूर है यार, दूर है ना, हाँ। तभी तो हम रुक गए, अब मैं तो यार गया हूँ यार एक बार ऊपर, हाँ कि हम पहुँचे घूम के वापस आ गए, कुछ देखा वहाँ, देखा ना हमें अंदर जानवर दिखा, शेर तेंदुआ हिरण कुछ भी नहीं दिखा, तो तुम अकेले ही आयो क्या, अकेले ही आयो तुम, अच्छा है पीछे रह गए वो। सो गाइस अभी आ गए हैं हम घर पे, और नाइट का सीन दिखाता हूँ भाई, मेरे घर की छत से रात का, और ये सामने मामा जी का घर मेरे, और ये है राला मंडल का पहाड़, चांद बहुत अच्छा दिख रहा है यार। इसकी वीडियो में इतना ही, ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ यार ब्लॉग को है ना लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सपोर्ट दिखाएं यार, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें हमारी वीडियोज़। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।